हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के इनसाइड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे एक बार आपका फिर से ये जो चैप्टर है पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज भाई 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा गया? तो इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी यूनाइट अगेंस्ट फॉरेन रूलर। ये पहली बार था कि भाई इंडिया के जो लोग थे वो फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ यूनाइट हुए थे। तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही होगा। विच मुगल एम्पायर वॉज प्रोक्लेम एज अ शहंशाह हिंदुस्तान? तो बहादुर शाह जफर। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यस एंड मैच द फॉलोइंग, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तात्या टोपे ग्वालियर, बेगम हजरत महल लखनऊ और नाना साहेब कानपुर। द सोशल रिफॉर्म्स बाय द ब्रिटिश वर कंसीडर एज अ इंटरफेरेंस इन द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया ऑफ हिंदूज। ट्रू। मैच द फॉलोइंग, सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस 1801, मंगल पांडे, बैरकपुर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी और गवर्नर जनरल वाइसराय। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन इन द ईयर 1858 वॉज। भाई क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन क्या था जो 1858 में इंट्रोड्यूस हुआ? तो उसमें क्या किया गया कि टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से हट करके किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया। तो हमारा ये टू ऑप्शन है, ओनली टू ऑप्शन इज करेक्ट। What were the socio-religious cause during this period that caused unrest among people? भाई social और religious cause क्या था जिसके कारण लोग नाखुश थे? तो social और religious cause में क्या होगा भाई? तो देखते हैं यहाँ पे, taxation of mosque and temple lands। भाई mosque और temple का जो land था उसके ऊपर tax लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारा option जो C है, 3 only, ये सही है। ठीक है, द एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू एक्सप्लोइट द रिसोर्स ऑफ द कंट्री। भाई ब्रिटिश का मेन एम क्या था? हमारे जो रिसोर्स थे उसको अधिक से अधिक उसका दोहन करना। यस ट्रू। पिक आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग प्लेस। इसमें से ऑड वन को पिक आउट करना है। तो इसमें ऑड वन क्या लग रहा है? दिल्ली, आगरा, ग्वालियर। तो इस रिवॉल्ट के क्रम में हम लोगों ने इन सारी जगह दिल्ली का भी नाम जिक्र किया, आगरा ग्वालियर सब के बारे में पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऑड वन क्या है? तो जबलपुर। इलेवेंथ, डैस वाज द फर्स्ट सोल्जर्स वो रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्टेज। तो कौन सा पहला सोल्जर था जिसने ग्रीस कार्टेज को रिफ्यूज किया था? तो वो थे मंगल पांडे। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। फुल रिलीजियस फ्रीडम वॉज गारंटेड टू इंडियंस आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये आपका ब्लैंक है। ठीक है, फुल डैस फ्रीडम वॉज ग्रांटेड टू इंडियंस आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो रिलीजियस। क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया। द मद्रास एंड बॉम्बे रेजिमेंट डिड नॉट ज्वाइन द रिवॉल्ट। क्या मद्रास और बॉम्बे रेजिमेंट ने रिवॉल्ट को ज्वाइन नहीं किया था? जी हाँ, ट्रू है। एट ग्वालियर द रिवॉल्ट वॉज लीड बाय बेगम हजरत महल। ग्वालियर में थोड़ी हजरत महल लीड कर रही थी, कहाँ पे कर रही थी? अवध में कर रही थी। हाँ, तो हमारा यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ। क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? इमीडिएट कॉज क्या था? तो कार्टेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट एंड चूज द करेक्ट वन। लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटमेंट डेट। कोऑर्डिनेशन और यूनिटी का अभाव था,
अपने अपॉइंटमेंट डेट से ये पहले शुरू हो गया था, तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, तो हमारा ये सी ऑप्शन है, करेक्ट है। द रेजिमेंट इन मेरठ रिवॉल्ट ऑन डैश 1857, मेरठ रेजिमेंट में कब शुरू किया था, तो 10 में। ओके, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज दैट लीड टू द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, आपके अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या था इस रिवॉल्ट के फेल होने का। इट स्टार्टेड आउट बिफोर द अपॉइंटमेंट डेट, सबसे पहला कॉज तो यही था भाई कि ये अपने तय समय से पहले शुरू हो गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज ए जुडिशियल कोर्ट फॉर ट्राइंग मेंबर्स ऑफ आर्म सर्विसेज एक्यूज फ्रॉम ऑफेंस अगेंस्ट मिलिट्री लॉ, तो मिलिट्री लॉ के अगेंस्ट में जो ऑफेंस चलाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विद क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑन 8 नवंबर 1858। द अफगान एंड द गोरखाज वॉज नॉट रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर बट हेल्प देम टू सप्रेस द म्यूटिनी, भाई अफगान और द गोरखाज जो थे वो सिर्फ लॉयल ही नहीं थे, इसके साथ साथ उन्होंने म्यूटनी को दबाने में भी उनकी मदद की थी। ऑन March 29, 1857 एट बैरकपुर नियर कलकत्ता मंगल पांडे अ सिपाही रिफ्यूज टू यूज़ अ ग्रीस कार्टेज एंड शॉट डाउन हिज सर्जेंट, भाई 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो कलकत्ता के नज़दीक में है वहाँ मंगल पांडे एक सिपाही थे, उन्होंने क्या किया था ग्रीस कार्टेज को यूज़ करने से मना कर दिया था, उन्होंने अपने सर्जेंट को शॉट डाउन कर दिया था। इन 1801 अवध वाज कंपेल्ड टू साइन द सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिश, अब 1801 में अवध के साथ सब्सिडरी अलायंस को साइन किया गया था। रेजिमेंट दैट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वार, तो कौन से रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो बॉम्बे एंड द मद्रास रेजिमेंट वाज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द वार। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द रिवॉल्ट वाज वर, तो रियल स्ट्रेंथ कौन थे इस रिवॉल्ट के, तो पीजेंट और आर्टिशियंस, भाई इनको। द रेजिमेंट इन मेरठ टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली ऑन May 11 एंड बहादुर शाह जफर वाज प्रोक्लेम द शहंशाह ए हिंदुस्तान, बहादुर शाह जफर को शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया। द एक्ट 1856 मेड इट कंपल्सरी फॉर न्यू रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज, अब जो एक्ट आया था 1857-56 में उसमें ये कंपल्सरी कर दिया गया था कि भाई जो भी नए रिक्रूट भर्ती होंगे उनको ओवरसीज सेवा करने जाना होगा, यानी दूसरे देशों में भी समुद्र पार भी सेवा करने जाना होगा। तो ये हमारे इंडियन मैथोलॉजी में इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता था, लोगों का ये सोचना था कि भाई हम अगर सात समुद्र पार जाएंगे तो हम अपने कास्ट को खो देंगे, इस तरह का बहुत ही भ्रांतियाँ थी हमारे समाज में। मंगल पांडे बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते थे, बंगाल रेजिमेंट एंड शॉट डाउन हिज सर्जेंट एट, कहाँ पे शॉट डाउन किया था, तो बैरकपुर नियर कलकत्ता। इंडियन लीडर्स किंग वो डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट, भाई जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था रिवॉल्ट में उनका बताना है। द सिख लीडर इन पंजाब निजाम ऑफ हैदराबाद, इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एवरीवन, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट 1857, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इट स्टार्ट ऑन May 10, 1857 with the mutiny of soldiers in Meerut cantonment. The revolutionary soldiers marched towards Delhi. On reaching Delhi, the Sipahi declared Bahadur Shah as the Emperor of Hindustan. Both at Meerut and Delhi, the Sipahi killed the Europeans where they came across. Question number 22. Why was the revolt of 1857 was also called the First War of Independence? It was the first time that different section of Indian society unite and fought as one nation to throw off the shackles of foreign domination. Briefly outline the major political cause of the revolt of 1857. The cause of discontent among the Indian rulers were as follows. The policy of annexation,
persecuted by the British had created unrest among many rulers and chiefs. The strict enforcement of the policy of subsidiary alliance and doctrine of lapse made the ruling section of the society angry. The annexation of Awadh and the Carnatic kingdoms on the ground of misgovernment was greatly resented. These actions of British create unrest among the ruling family who had lost their power and put fear in others that a similar fate awaited them. Question number 24. How did doctrine of lapse create fear amongst the Indian ruler? So Lord Dalhousie introduced the doctrine of lapse and annexed many Indian kingdoms to British territories. This created fears and resentment among Indian rulers. They were not allowed to adopt heir to throne. 25. Explain the economic cause of the revolt. The country village economics and self-sufficient had been scattered by the Britishers. भाई भारत की जो इकोनॉमिक्स थी वो क्या थी, वो सेल्फ सफिशियंट थी, जिसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. इन सिटीज आर्टिसियन म्यूजिशियंस राइटर्स पोइट्स एंड अदर हैड लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. और शहरों में आर्टिस्ट म्यूजिशियंस राइटर्स इन लोगों ने अपने जीवन यापन का जो मुख्य साधन था उसको खो दिया था. द रेवेन्यू पॉलिसी वॉज डिस्क्रिमिनेटरीज एंड डिजास्ट्रस एट सम प्लेस द पीसेंट वर बींग क्रूअली एक्सप्लॉयटेड बाई द जमींदार्स. और कहीं कहीं पर जमींदार्स के द्वारा पीसेंट को बहुत ही सताया जा रहा था. डिस्क्राइब द इमीडिएट इवेंट दैट लीड टू द रिवॉल्ट बाई सिपाही. वो इमीडिएट कॉज क्या था, यहाँ पर हमको इमीडिएट कॉज लिखना है. तो इमीडिएट कॉज में क्या था, तो न्यू इनफील्ड राइफल को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो उसका इमीडिएट कॉज था. तो एट दिस टाइम द न्यू इनफील्ड राइफल्स वर इंट्रोड्यूस इन विच कार्टिज वेयर ग्रेस्ड विद द फैट ऑफ पिग्स एंड काउ एंड इट वॉज अ sign for both the Hindu and Muslim soldiers to use their teeth to tear off one end of those cartridges before use. This obtained the religious sentiments of Muslim and Hindus, like मतलब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को आहत किया जा रहा था. Explain two reasons for which the Sipahi revolted. भी क्या कारण थे सिपाहियों के revolt करने का. तो देयर वॉज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स. पहले तो वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स में जो भेदभाव किया जा रहा था उसके कारण. और द हाइएस्ट पे गिवेन टू एन इंडियन सिपाही एज अ सोल्जर वॉज लेस देन द मिनिमम पे ऑफ यूरोपियन रिक्रूट. पर इंडियन सिपाही की सैलरी जो थी वो कम थी. और मान लो कि हायर पोजिशन पर भी अगर इंडियन सोल्जर है और एक नया रिक्रूट जब ज्वाइन करता है अगर वो यूरोप का रहता है तो उसकी सैलरी उससे अधिक रहती थी. द एक्ट ऑफ 1856 made compulsory for new Indians recruit to serve overseas. और Indian recruits को ये प्रावधान था कि भाई अपने service में एक बार उसको overseas services करने जाना होगा, यानी दूसरे देशों में भी जाना होगा. It hurt the feeling of the soldier as Hindu believed that overseas travel would less leads loss of cards. यहाँ पे भाई हिंदू जो soldiers थे उनका ये belief था कि overseas हम जाएंगे समुद्र के उस पार जाएंगे तो हम अपने जाति धर्म जाति को खो देंगे. स्टेट द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस दैट वर मेड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन. क्या कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए जो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के बाद. द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विद क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1 नवंबर 1858. सी एज्यूम द टाइटल फॉर इम्प्रेस ऑफ इंडिया. द गवर्नर जनरल वॉज गिवेन द टाइटल ऑफ द वाइस रॉय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. A secretary of the state was appointed by the British Parliament. Look after the governance of India. Parliament, यहाँ तक ये गलत है, ठीक है. Full religious freedom was guaranteed to Indian. भारतीयों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई. The revolt proved to be the first great struggle for freedom. It became the source of inspirations for the later freedom struggles. Explain the social cause that led to the revolt. The social reformers like abolitions of practice of sati, widows, remarriage, conversion of Hindus to Christian and the promotions of Western education is damaging by traditional Indian societies. The British look down upon Indians and follow a policy of racial discrimination
ये उस समय के सोशल कॉज थे भाई। मान लो कि कुछ सुधार हो रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि हाँ ये सुधार आज के लिए बहुत ही अच्छे हुए थे, सती प्रथा, विडो रिमैरिज, ये सब सुधार हुए थे। लेकिन सडनली जब उस समय पे ये सुधार हो रहे थे, उस समय उन लोगों को ठीक नहीं लग रहा होगा, हाँ, तो इसलिए भाई सोशल कॉज ये थे। इसके साथ साथ तो ब्रिटिशर्स में जो जो हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, यानी रंगभेद की नीति चल रही थी, उसके कारण भी लोग बहुत ही नाराज़ थे। ब्रिटिश वॉलेटेड ट्रीटीज़ विद इंडियन किंग्स एट विल सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ब्रिटिशर्स ने जो भारतीय राजाओं के साथ जो ट्रीटी की थी, उसको कैसे वॉलेटेड की, उसको कैसे तोड़ा उन लोगों ने। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू ट्रेड विद इंडिया ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इकोनॉमिकली एंड लेटर पोलिटिकली डोमिनेट इन 19th century इन कॉलोनीज इन एशियन एंड अफ्रीका। The company settled down in India for trading purpose, including cotton, silk, and spices from South India. The British violated treaties by the introducing their policies in India, which led many kings and princes to annexed land. All they wanted was right over the land of Nawab and King of in India. What preparations should have been made to make the first war of independence complete success? भाई कौन कौन सा प्रिपरेशन किया जाता तो ये जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता जो है पूरी तरह से सक्सेस होता। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर प्रिपरेशंस कुड हैव मेड इट कम्प्लीट सक्सेस। प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, द वार आउटब्रेक वॉज स्पॉन्टेनियस एंड दिस लैक विजन एंड प्लानिंग। और स्ट्रेटेजिकली प्लान वार कुड हैव मेड इट अ सक्सेस। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ओल्ड मुगल किंग वॉज डिक्लेयर एम्पायर ऑफ इंडिया। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप प्लेड अ मेजर पार्ट इन द फेसियो। एवरी वार नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और रैली पॉइंट टू लुक अप टू एंड फॉलो। नेशनल मूवमेंट, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज द रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पार्ट्स एंड टाउन्स एंड वॉज नॉट अ ट्रू नेशनल मूवमेंट इन्वॉल्विंग द इंटायर कंट्री। अ फुली नेशन मूवमेंट इंक्लूडिंग पीपल्स ऑफ होल नेशन कुड हैव लेड टू ओवर विक्ट्री। अगर पूरे देश में एक साथ ये फैला रहता, स्प्रेड किया रहता, तो शायद उस समय क्या ये परिदृश्य अलग ही रहता। ठीक है, लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब यहाँ तक अगर आपने सुन लिया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें।